ओहो, एक बहुत बड़ी खबर। ना ना ना, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू चौथे नंबर पर अपनी सीट पर, चौथे नंबर पर, समझ रहे हैं? अजय कुमार लल्लू, जिनके चेहरे को आपने फ्रंट पर रखा, जिनके नाम पर लेमन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुकदमे दर्ज होने पर अगर है रिकॉर्ड बन जाएगा, वो अपनी सीट पर चौथे नंबर पर, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप भूपेश शर्मा? तिलक जी देखिए, चौथे पर है, अभी मात्र 10:30 बजे हैं। मैं समझता हूं कि 2 बजे से पहले ये क्लियर करना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लल्लू चौथे नंबर पर, लल्लू चौथे नंबर पर नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अभी आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी ये रुझान है, पश्चिम बंगाल में भी बदले, बिहार में भी बदले, बिहार में आपकी सरकार बन रही थी रुझानों में। एक और ब्रेकिंग आई है, प्लीज ये करिए। लेकिन लल्लू का चौथे नंबर पर होने का मतलब समझ रहे हैं भूपेश शर्मा आप? एक और ब्रेकिंग प्लीज ये करिए। ब्रेकिंग आ गई है इस वक्त की, श्रीनगर सीट से कांग्रेस के गणेश गोदयाल 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गणेश गोदयाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। कोटद्वार से रितु खंडूरी, जो कि भुवन चंद खंडूरी की बेटी है, वो इस वक्त आगे चल रही है। लैंसडाउन से 1200 वोटों से दिलीप रावत आगे चल रहे हैं। हरक सिंह रावत की बहू जो है वो पीछे चल रही है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जमकेश्वर से बीजेपी की रेणु बिष्ट जो है वो 2700 वोटों से आगे चल रही हैं। राजकुमार पौड़ी से 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर श्रीनगर सीट से कांग्रेस के लिए राहत। गणेश गोदयाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रितु खंडूरी कोटद्वार से इस वक्त आगे चल रही है, जो कि भुवन चंद खंडूरी की बेटी है। लैंसडाउन से दिलीप रावत, जो कि लगातार हरक सिंह रावत का विरोध कर रहे थे, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं 1200 वोटों से। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये उत्तराखंड की तस्वीर। यमकेश्वर से बीजेपी की रेणु बिष्ट 2704 वोटों से आगे। पौड़ी से राजकुमार 900 वोटों से आगे। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की क्या स्थिति है? हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत के पास सीधा रुख करेंगे, पूर्वांचल की तस्वीर बताते हैं आपको।